नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दिल्ली का मौसम वाकई बदल रहा है, बहरहाल, लेकिन सियासत नहीं बदल रही है। चार चेहरे पहले देख लीजिए, चार मुख्यमंत्रियों के चेहरे हैं। चारों ने अपने अपने तरीके से पद्मावती पे कहा है। किसी ने बैन लगा दिया, किसी ने आपत्ति की, किसी ने भावनाओं को लेकर बात की, किसी ने कहा यह संभव नहीं है। तो ये एक स्थिति है देश के भीतर की। सोचा समझा निर्णय लिया जाए, तो सोचने समझे समझने के लिए ठंडे दिमाग से निर्णय लेने की हमें एक स्थान तो दीजिए, स्पेस तो दीजिए। उसके लिए एक प्रोसेस है, उसको फॉलो किया जाना चाहिए। हमें एक अनुमति मिलती है कि हम 68 दिन तक का वक्त ले सकते हैं। हम लेते नहीं है, ज्यादातर कोशिश करते हैं कि उससे जल्दी फिल्म जो है सर्टिफाई हो जाए। तो सेंसर बोर्ड समझा रहा है हम कितना वक्त ले सकते हैं, लेकिन तमाम चार राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं समझ पा रहे हैं। तो और कौन कौन निकल कर आएगा, क्या क्या कहेगा, किसे किसे अपनी बात कहनी है, मन की बात में भी क्या ये बात आएगी, हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच दस्तक में बात आज फैज की नहीं, नज्म जरूर है फैज की, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम देखेंगे, जरूरी हुआ तो सुना आपको जरूर देंगे। लेकिन फैज की आज पुण्यतिथि है, लेकिन इसके जरिए नेताओं का नजरिया हम सोचते हैं कि जब जब दस्तक के आसरे हम कोई रिपोर्ट दिखलाते हैं, नेता कहते हैं, मंत्री कहते हैं, हम देखेंगे। तो आइए पहली रिपोर्ट बिहार के मद्देनजर देश की शिक्षा व्यवस्था पर, कौन कहेगा हम देखेंगे। दरभंगा जिले के बहादुरपुर में बना ये मॉडल स्कूल है। राज्य के मुखिया नीतीश कुमार ने जुलाई 2015 में इसका उद्घाटन किया था और 2.5 बरस बीत चुके हैं, लेकिन नीतीश सरकार इसकी व्यवस्था नहीं कर पाई कि खुले में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो स्कूल की इमारत के भीतर आकर पढ़ाई कर ले। जी, त्रासदी यही है। इधर स्कूल की इमारत खड़ी रही, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल को मिला ही नहीं, जो सामान आया वह भी चोरी हो गया, और दूसरी तरफ इमारत से महज 40-50 फीट की दूरी पर जो स्कूल पहले भी चलता था वो आज भी चलता है। जी, पेड़ के नीचे है स्कूल, हर पेड़ के नीचे एक से ज्यादा क्लास। सामने कॉलेज है, वहाँ पे हम लोग का पढ़ाई नहीं होता, यहीं पढ़ते हैं, धूप में या बारिश हो या कुछ हो ठंडी में यहीं पढ़ते हैं। पीछे ये एक स्कूल बनकर तैयार है, उसमें आप लोग नहीं जाते हैं? नहीं, इसी पेड़ के नीचे हम लोग पढ़ते हैं साल भर। हाँ। तो जिस सूबे का सीएम इंजीनियर है, उस सूबे की बदहाल प्राथमिक शिक्षा का ये इकलौता नजारा नहीं। मसलन इसे देख लीजिए, ये मुजफ्फरपुर नगर निगम का राजकीय प्राथमिक विद्यालय है। एक ही कमरे में 5-5 क्लास, हद तो यह कि इसी कमरे में बच्चों के लिए मिड डे मील भी पकता है। मेरे पीछे जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये यहाँ पर खाना बन रहा है, मगर ये कोई किचन नहीं है, ये बच्चों के लिए मिड डे मील का खाना बन रहा है। और ये जिस जगह पर ये खाना बन रहा है, ये क्लासरूम है। मुजफ्फरपुर का बहल खाना इलाका है, मुजफ्फरपुर शहर के अंदर ही है, और यहाँ पर देख लीजिए, इस वक्त हम राजकीय प्राथमिक विद्यालय में खड़े हैं। एक रूम है, उसमें 5 क्लास चलते हैं, 2 रसोईया है, उसमें खाना बनाती हैं, धुआं लगता है, थोड़ी बहुत बहुत कठिनाई होती है। अब मुजफ्फरपुर के इस राजकीय आदर्श मध्य विद्यालय का हाल भी देख लीजिए, जहाँ एक ही कमरे में 3-3 क्लास लगी है। बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, कोई नहीं जानता। वैसे टीचरों की जानकारी का हाल है क्या, सुन लीजिए। राष्ट्रपति कौन है? प्रणव। देश की राजधानी क्या है मालूम है आपको? बिहार। एलिफेंट का स्पेलिंग लिख के दिखाइए मुझे। ELIPHANT GARMAR GARMAR ग्रामर का स्पेलिंग यही हुआ। तो ये तस्वीर बिहार की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की बदहाली की है, लेकिन सच तो यही, पूरे देश में हालात ऐसे ही हैं। शिक्षक है नहीं, बुनियादी सुविधाएं है नहीं, बच्चे जैसे तैसे पढ़ने को मजबूर। आलम यह है कि बिहार में 2,03,650 प्राथमिक शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, तो यूपी में 1,74,666 पद खाली पड़े हैं, गुजरात जैसे राज्य में 24,841 पद खाली पड़े हैं, झारखंड में 73,793 पद खाली पड़े हैं, मध्य प्रदेश में 63,861 पद खाली पड़े हैं, पश्चिम बंगाल में 85,835 पद खाली पड़े हैं, और राजस्थान में 37,522 पद खाली पड़े हैं।
तो देश के तमाम हिस्सों को जानने के बाद लौटिए बिहार। बिहार के प्राथमिक स्कूलों में क्लास में ही मिड डे मील बन रहा है। तो यह भी देख लीजिए कि पश्चिम बंगाल के बांकुरा के सरकारी मद्रबानी जूनियर हाई स्कूल में मिड डे मील में छिपकली निकल आई और कई छात्रों को फूड पॉइजनिंग हो गई। तो सच यही कि देश में प्राथमिक शिक्षा भगवान भरोसे, सारे स्कूलों में बिजली जैसी बुनियादी सुविधा तक नहीं। बिहार में ही सिर्फ 22.28% स्कूल में बिजली, मध्य प्रदेश में महज 11.31% स्कूलों में बिजली और उत्तर प्रदेश में 70.65% प्राथमिक स्कूलों में चार दीवारी ही नहीं है। और इन सब के बीच देश में कंप्यूटर शिक्षा और डिजिटल इंडिया के नारे बुलंद हो रहे हैं। तो ऐसे में आइए कंप्यूटर शिक्षा का हाल भी देख लीजिए। बिहार के महज 2.37%, यूपी के महज 6.67%, मध्य प्रदेश के महज 2.90% और राजस्थान के महज 5.91% स्कूलों में ही कंप्यूटर है। तो कल्पना कीजिए, 90% से ज्यादा स्कूलों में बच्चों ने कंप्यूटर देखा ही नहीं। तो फिर सर्व शिक्षा अभियान को गति देते हुए स्कूल तक हर बच्चे को पहुंचा तो दिया गया, लेकिन कोई सुविधा है नहीं तो फिर कोई पढ़े क्या? और शिक्षकों की ट्रेनिंग पर किसी सरकार का ध्यान है नहीं तो फिर ऐसी पढ़ाई का मतलब है क्या? इसे समझे कौन, समझाए कौन? पटना में रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। जब तक तुछाले जाएंगे जब ताज गिराए जाएंगे, जी फैज की ही नज्म का ये हिस्सा है, लेकिन वो जिक्र नहीं कर रहे, जिक्र उससे आगे का कर रहे हैं। यहां तो सरकार कह सकती है ठीक है हम जाएंगे देखेंगे, लेकिन किसान अपने गांव से चलकर दिल्ली के संसद मार्ग पर आकर खड़ा हो गया, कहा अब देखिए हमें। आंखों में उदासी, हाथ में मां बाप की तस्वीर और नाम है मनीषा। तेलंगाना से आई है, पिता किसान थे, सिर पर 3 लाख का कर्ज था, फसल बर्बाद हो गई तो पहले पिता ने और फिर मां ने खुदकुशी कर ली। घर में खाने को नहीं, दादा की पेंशन आती है 1000 रुपए, बस उसी में काम चलता है। एक छोटा भाई है और इन्हीं पैसों से उसकी पढ़ाई भी होती है। मनीषा ने रेगुलर पढ़ाई छोड़कर मजदूरी की राह पकड़ ली है। हमारे पास आके झगड़ा करते थे, हमारे जो बुल्लक कार्ड है वो भी लेके गए थे। अबे हमें पढ़ने भी तकलीफ हो रही, खाने भी तकलीफ हो रही, दादा दादी संभालती। 3 मंथ्स बैक दादी मर गई थी, दादा का हेल्थ भी अच्छा नहीं था, तो मैं इस पढ़ाई बंद करके लेबर को जा रही थी। तो मनीषा तेलंगाना से चलकर दिल्ली पहुंच गई है संसद मार्ग। तो एक दूसरी तस्वीर देखिए, यह है संतो, परभणी से आई है। इनकी बेटी खूबसूरत थी लेकिन शादी के लिए हर शख्स दहेज मांगता था। किसान पति पहले से कर्ज के बोझ तले दबा था, घर में पैसे थे नहीं। संतो और इनके पति ने तय किया छोटी सी जमीन बेचकर बेटी की शादी कर देंगे, फिर दोनों मजदूरी करेंगे। लेकिन बेटी ने सुन लिया और माँ बाप जमीन बेचते उससे पहले बेटी ने ही खुदकुशी कर ली। उसने पत्र लिखा, पापा मेरी खेती जो है तो वो बेचना मत, मेरे भाई को पढ़ाना, बहन को पढ़ाना, बहन की शादी करना। वो तो चली गई, लेकिन मुझे भी लगता है कि सुसाइड कर लूं या मर जाऊं। तो हर के पास दर्द है, इंतहा त्रासदियों का बोझ उठाए हर कोई देश के अलग अलग हिस्सों से अपने हक को मांगने दिल्ली के संसद मार्ग पर पहुंच चुका है। तो किसानों के ये दर्द का नजारा है दरअसल अनकही अनगिनत कहानियों के साथ हर कोई पहुंचा है और हर की जुबान पर अपने अपने दर्द की अपनी अपनी दास्तान। बाजरे में 1425 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हमारे यहाँ घोषणा हुई, लेकिन हमें 1100 में बेचना पड़ा। 1.5 लाख का जिसका माप हुआ उसको 10,000 देते बोले, किसको 1 रुपया भी नहीं दिया। देश का प्रधानमंत्री कहता है कि आपको 1.5 गुना लागत का दाम मिलेगा, 309 मीटिंग में इलेक्शन में कहा, उसके बावजूद में 3.5 साल में कुछ नहीं किया। तो ये किसान 21 राज्यों से पहुंचे हैं, हजारों की तादाद में है। किसान मुक्ति संसद का बैनर है, लेकिन 3 मांग बेहद अहम है। पहली, उत्पादन लागत से 1.5 गुनी कीमत मिलनी चाहिए। दूसरी, पूर्ण कर्ज मुक्ति होनी चाहिए। और तीसरी, पुरुष किसानों की पत्नियों को भी किसान माना जाए। कि वो संसद किसान के दुख दर्द से कटी हुई है,
किसान के आंसू उस संसद तक पहुंच नहीं पाते हैं और इस संसद में वो लोग आए हैं जिनकी आंखों से वो आंसू निकले हैं। यानी दर्द है, गुस्सा है, पर थमता कुछ भी नहीं, खुदकुशी भी नहीं। मसलन जिस वक्त दिल्ली में किसान संसद में हिस्सा लेने हजारों किसान जुट रहे थे, लगभग उसी वक्त राजस्थान के भरतपुर में फसल ना उगने और कर्ज में दमे होने के चलते किसान भगवान सिंह ने खुदकुशी कर ली। तो कर्ज के दबाव में था और खेती भी बेचना चाह रहा था अपना, उसको छुटकारा पाने के लिए बैंक का भी लोन था। तो किसान संघर्ष करे या फसल उगाने के बाद अपने हक को मांगे, हो जो भी, तय तो दिल्ली को करना है। लेकिन दिल्ली तो गुजरात चुनाव के मोड़ में है और संसद का शीतकालीन सत्र हो, वहाँ पर ये मुद्दा उठ जाए, लेकिन वह भी कब होगा कोई नहीं जानता। एक बार फिर किसान अपनी मांगों के साथ संसद मार्ग पर जमा है, लेकिन उनकी आवाज कब और कौन सुनेगा ये भी कोई बताने वाला नहीं है। कैमरामैन अशोक के साथ रोहित मिश्रा, दिल्ली आज तक। हम देखेंगे, फैज की ही नज्म है, जब जुल्मो सिता के कोहरे गरा रुई की तरह उड़ जाएंगे। छोड़िए नज्म को, एक रिपोर्ट और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि संसद मार्ग पे अगर किसान पहुंचा है और देश की सियासत को यह मंजूर नहीं कि शीतकालीन सत्र तुरंत बुलाया कह जाए, वक्त हो चला है, उस पर बातचीत भी शुरू कर दी जाए, तो फिर हंगामा मचा है और यह हंगामा सियासी है, गुजरात की आहट लिए हुए है। तो बीते 8 बरस में सिवाय 2013 के ऐसा कभी नहीं हुआ कि शीतकालीन सत्र की शुरुआत नवंबर में ना हुई। लेकिन 2017 में संसद का शीतकालीन सत्र कब होगा या होगा भी या नहीं, कहना मुश्किल। और इसकी वजह गुजरात चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री को धुआंधार प्रचार गुजरात में करना है। 60% मोदी कैबिनेट चुनाव प्रचार पर है। गुजरात से बीजेपी के लोकसभा राज्यसभा के सभी 37 सांसद प्रचार पर हैं। तो आज सोनिया गांधी ने यह कहकर सीधा निशाना साधा कि मोदी सरकार ने कमजोर आधार पर संसद के शीतकालीन सत्र में व्यवधान पैदा करके अपने अहंकार से भारत के संसदीय लोकतंत्र पर काली छाया डाल दी है। अगर सरकार सोचती है कि लोकतंत्र के मंदिर को बंद करके वह विधानसभा चुनाव से पहले संवैधानिक उत्तरदायित्वों से बच जाएगी तो यह गलत है। गुजरात के चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी जी इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहते, इसीलिए वो संसद के शीतकाल सत्र को बुलाने से बच रही है। पर मोदी सरकार की तरफ से बिना देर लगाए कहा गया इसमें नया कुछ भी नहीं, हम चर्चा जबरदस्त करने को तैयार हैं, जिसका कांग्रेस पार्टी के पास कोई उत्तर नहीं होगा, ये आप इस बात को जान लीजिए। इसलिए न चर्चा से हम भागे हैं और न भागेंगे। यानी गुजरात चुनाव सबसे अहम है, ये अलग मसला है कि गुजरात में जनता से जुड़े सवाल राजनीतिक हंगामे से गायब हो चले हैं। मसलन टिकटों को लेकर पाटीदारों का ये हंगामा हर कोई देख रहा है, पर हंगामे के इस अक्ष में ये सवाल गायब है कि पाटीदार किन वजहों से आरक्षण मांग रहे हैं। दरअसल गुजरात में छोटे और मंझौले इंटरप्राइजेस बीमार हो चले हैं। 2014 में 48,000 यूनिट तो 2015 में 49,003 यूनिट और 2016 में 42,527 यूनिट बीमार हो गई। यानी चुनावी टिकट ही कितना बड़ा रोजगार है ये पाटीदारों के इस हंगामे से अब समझ में आ रहा है। तो पाटीदार को आरक्षण इसलिए चाहिए क्योंकि गुजरात संपन्न होने के बावजूद रोजगार दे नहीं पा रहा। मसलन टाटा नैनो को ही सैकड़ों किसानों से जमीन लेकर सस्ते में जमीन दी गई, टैक्स नहीं लिया गया, लेकिन रोजगार मिला सिर्फ 2,200 लोगों को। गुजरात में देश की कुल इंडस्ट्री का 17.8% पूंजी लगी हुई है, पर रोजगार मिला है महज 9.8% को। और यह सवाल चुनावी राजनीति से दूर विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया उठा रहे हैं। मैं चुनाव में सभी दलों को कहूंगा कि 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का टाइम बाउंड समयबद्ध एक्शन प्लान बताओ, सभी किसानों को खर्च से 1.5 गुना मूल्य मिलना चाहिए। तो क्या जो चुनावी दौड़ में नहीं जनता की चिंता उसे है, और जो चुनावी तिथियों में उलझा है उसे टिकट चाहिए, वोट जुगाड़ना आना चाहिए, चाहे संसद का शीतकालीन सत्र ही ना चले। इसीलिए तो अभी तक CCPA यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक बुलाई ही नहीं गई, जो तय करती कि शीतकालीन सत्र होगा कब। तो
तो ये ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के आसरे सियासत कह सकती है हम देखेंगे, लेकिन एक सियासत ऐसी भी जो खुद को बदलना चाह रही है कांग्रेस के भीतर। अब फाइनल हो गया है, राहुल गांधी अध्यक्ष होंगे, लेकिन अध्यक्ष तो होंगे, कल तक मुट्ठी बंद थी, जब चाहे तब अध्यक्ष हो सकते थे, अब मुट्ठी खुलेगी तो चुनौतियां क्या हैं? विरासत ढोते हुए दिखना नहीं है, सोई कांग्रेस को पुनर्जागृत करना है, और युवा हैं तो देश के युवाओं से खुद को कनेक्ट करना है। पहली नजर में यही तीन चुनौतियां राहुल गांधी के सामने है, यानी 19 दिसंबर को ताजपोशी से ठीक पहले यही चुनौती। तो क्या वाकई कांग्रेस करवट ले लेगी? क्योंकि 2004 में जब राहुल गांधी चुनावी पर्चा भरने निकले तो बीजेपी ही नहीं संघ परिवार में भी ये बहस शुरू हो गई थी कि बीजेपी को भी युवा चेहरा चाहिए, यानी वाजपेयी अडवाणी से आगे देखने की शुरुआत सही मायने में राहुल गांधी के राजनीति में कूदने से ही संघ परिवार में शुरू हुई थी। और अब जब राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभालेंगे तो अगला सवाल यही होगा, क्या बीजेपी संघ परिवार में फिर कोई नया चिंतन शुरू होगा, या फिर बीजेपी के सामने सबसे कमजोर कांग्रेसी अध्यक्ष होगा? इन दोनों सवालों के अक्स में यह समझना जरूरी है कि कांग्रेस के हाथों जिन वजहों से सत्ता गई और बीजेपी के सत्ता के दौर में कांग्रेस को लेकर जिस तरह मोदी सरकार बेफिक्र है, उसकी वजह दो ही है। पहली, कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में कमजोर रही है। दूसरी, बीजेपी विपक्ष की भूमिका में हमेशा मजबूत रही है। लेकिन राहुल गांधी बतौर कांग्रेस अध्यक्ष के लिए क्या ऑक्सीजन का काम भी करेंगे, ये तीन बातों पर टिका है। पहला, कांग्रेस में अनर्णय की स्थिति थम जाएगी। दूसरा, कांग्रेस में प्रियंका का शोर या राहुल की कमजोरी भी थम जाएगी। और तीसरा, कांग्रेस परंपरा छोड़ मौजूदा वक्त के लिहाज से खुद में तेजी से बदलाव करेगी, और यहीं से राहुल की कार्यशैली और निर्णय लेने की क्षमता बताएगी कि कांग्रेस में बदलाव आएंगे कैसे। क्योंकि हर बुजुर्ग कांग्रेसी का वंश कांग्रेस में सत्ता के लिए हाथ पैर मान रहा है, ये सच है। कांग्रेसी खुद को सत्ताधारी मानते हैं, विपक्ष में रहकर संघर्ष करना ही नहीं जानते, ये महासच है। और कद्दावर कांग्रेसी आराम पसंद है, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता सत्ता किसी की भी रहे, और ये सबसे अनूठा सच है। अब सोनिया की सरपरस्ती में राहुल गांधी को कांग्रेस की कमान तो मिल रही है, कांग्रेस सोनिया से अब राहुल की हो रही है, लेकिन राहुल के सामने चुनौती है कांग्रेस को 2019 में सत्ता में वापस लाने की, और सबसे पहले सामने परीक्षा है गुजरात की। तो राहुल गांधी को कांग्रेस बदलनी नहीं है, बल्कि कांग्रेस को संघर्ष के उस रास्ते पर लाकर खड़ा करना है जहां नेता कार्यकर्ता का भेद ही नहीं मिटे, बल्कि कांग्रेसी खुद ब खुद बदल जाए, 10 जनपद का डर खत्म हो जाए, चापलूसों की जगह न रहे, और कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए भी संघर्ष करना सीख जाए। बहुत तेरे सवाल है, और इन सवालों के अक्स का सच तो यही है, सोनिया गांधी 19 बरस जी 18-19 बरस कोई अध्यक्ष रहे, और नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, इनको भी मिला दीजिएगा तो 19 बरस ही बैठेगा। अब राहुल की पारी शुरू हो रही है। बहरहाल छोड़िए इसे, जिक्र कर रहे थे हम फैज का, हम देखेंगे, आज उनकी पुण्यतिथि है। गीत बहुत कम उनके हैं जो फिल्मों में फिल्माए गए, तो ऐसे में आज वो गीत सुनाते हैं जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, सब कुछ एक सरीखा था। ये फिल्म की शूटिंग लाहौर में भी और मुंबई में भी हुई थी। फिल्म थी कैदी 1940 की। नूरजहां की आवाज सुना जाए। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।